शर्मा जी के बेटे को देखा है, 92% मार्क्स, और गुप्ता जी का बेटा 99% मार्क्स, और तुम्हारे कितने मार्क्स हैं? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, सब्जी का ठेला लगाना पड़ेगा। कॉमर्स ले ली तो क्या हो गया, ग्रेजुएशन में तो कहीं एडमिशन मिलेगा नहीं, क्या करोगे, कहाँ जाओगे, कुछ नहीं बन पाओगे। और ये सब तुम्हारे दोस्त बड़ी बड़ी पोजिशंस पे होंगे, लैक्स एंड लैक्स के पैकेजेस पे, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हम हिंदुस्तानी फैमिलीज में आपने इस तरह की कॉन्वर्जेशंस काफ़ी सुनी होंगी। जी हाँ, अपने लिए या अपने किसी रिलेटिव के लिए, अपने किसी कज़न के लिए, अपने किसी फ्रेंड के लिए आपने इस तरह की डेफिनेटली कॉन्वर्जेशंस सुनी होंगी। इन कॉन्वर्जेशंस के पीछे होती है इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी ऑफ द पेरेंट्स, इनसिक्योरिटी ऑफ द पीपल, इनसिक्योरिटी ऑफ सोसाइटी इन जनरल, कि उनका बच्चा औरों के मुकाबले कहीं पीछे ना रह जाए। इनसिक्योरिटी होनी लाजमी है, लेकिन क्या कंपैरिजन करना जरूरी है? हेलो एंड वेलकम गाइज, आई एम CACSCMA निखिल गुप्ता, और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दिस मोस्ट क्रूशियल थिंग विच इज कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। हम हमेशा अपने अपनी चीज़ों को, अपने लोगों को, अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरे के एक्सपीरियंसेस के साथ, दूसरों की चीज़ों के साथ हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को किल करते हैं, अपनी वाइब्स को किल करते हैं। तो सपोज मैं गोवा में वेकेशन कर रहा हूँ, तो मैं YouTube पे स्क्रॉल कर रहा हूँगा अपने किसी फ्रेंड की वीडियो को या फोटो को, जो मुझे दिखाएगी कि वो है मॉरिशियस में या मालदीव्स में, और मुझे लगेगा यार मैं गोवा में हूँ, वो तो मालदीव्स में है, मॉरिशियस में है, उसे तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। तो जी हाँ, इस कंपैरिजन ने कर दिया ना आपकी वाइब को किल। सो दिस काइंड ऑफ कंपैरिजन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन एंड यस टू एन एक्सटेंट डीमोटिवेशन। मुझे आज तक याद है जब मैं 12th के बोर्ड्स दे रहा था, तो मेरा एक फ्रेंड था जो मेरे एरिया में रहता था, और वो इवनिंग में मेरे घर पे आता था और मुझसे कहता था, अरे तूने सिर्फ एक बार रिविजन किया, मेरा तो 4th रिविजन चल रहा है और 5th में बस स्टार्ट करने वाला हूँ। उसकी इस तरह की बातें सुन के मैं कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होता था, अपने आप को कंपेयर करता था, और ये पाता था कि मेरा प्रिपरेशन उसके प्रिपरेशन के आगे काफ़ी 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 कम। लेकिन हाँ, जब एग्ज़ाम्स आए और उसका रिजल्ट आया, मैं हैरान हो गया, मेरे मार्क्स ज़्यादा थे, उसके कम थे। जब एनालाइज किया तो मुझे पता लगा कि उसकी जो रिविजन करने के पैटर्न था, उसका रिविजन करने का जो तरीका था, उसमें फॉल्ट था। वो क्विकली रिवाइज करता था, मैं बहुत आराम आराम से रिवाइज करता था, लेकिन उसे ढंग से रिवाइज करता था। इसी वजह से मेरी दो प्रिपरेशंस वर इक्वलेंट टू हिज 5 प्रिपरेशंस। सो नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ, नेवर एवर कंपेयर योर प्रिपरेशंस, नेवर एवर कंपेयर योर एक्टिविटीज, नेवर एवर कंपेयर योर लाइफ विद समवन एल्सेस लाइफ। देखिए, 5 उंगलियां हैं हाथ में, क्या ये सब भी इक्वल हैं? आंसर इज नहीं, सब अलग अलग हैं, सबका साइज अलग अलग है, लेकिन सबका इंपॉर्टेंस एकदम अलग अलग है। तो अगर अंगूठा कंपेयर करने लगे उंगली से कि अरे उंगली तू तो बहुत बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं तो बिल्कुल नाकारा हूं, तो कोई फायदा होगा क्या? नहीं, लिखने के लिए तो अंगूठा ही काम आता है। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद समवन एल्स, यू आर योर ओन कॉम्पिटिटर। आपकी अपनी मंजिल है, आपकी अपनी दौड़ है, इसे आराम आराम से भी तय कर किया जा सकता है, भाग भाग के भी तय किया जा सकता है, ये आपका अपना स्टाइल है। तो कई बार मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर हमें CA करते करते ना 4 अटेम्प्ट हो गए, 5 अटेम्प्ट हो गए, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हम, क्लियर नहीं हो रहा। सिमिलरली IAS के कई स्टूडेंट्स, IPS, IAS सिविल सर्विसेज में जो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, वो कहते हैं सर प्रिलिम्स हमेशा रह जाता है, या प्रिलिम्स हो गया, मेंस हमेशा रह जाता है, बहुत मेहनत करते हैं फिर भी पीछे रह रहे हैं, लोगों से हमेशा पीछे रह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारे हमारे पीयर्स आगे चले जाएं और हम पीछे रह जाएं। तो मैं उन्हें हमेशा एक बात बताता हूँ, बोमन ईरानी वॉज एन एक्टर, वॉज अ सक्सेसफुल एक्टर एट अ वेरी वेरी लेटर स्टेज ऑफ हिज लाइफ। उन्होंने एक्टिंग करनी बहुत लेट शुरू करी, या यूं कहो उनका एक्टिंग करियर जो फलीभूत हुआ या मटेरियलाइज हुआ, वो बहुत लेट हुआ। तो क्या हम ये कहेंगे ही इज़ नॉट अ गुड एक्टर, या फिर उन्होंने एक अच्छी लाइफ नहीं जी, क्या हम ऐसा कहेंगे? नहीं, एवरीवन हैज हिज ओन टाइमिंग, सो ट्रस्ट इन योर टाइमिंग एंड डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन एल्स, बिकॉज कंपैरिजन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन एंड डीमोटिवेशन। टेक योर टाइम इन व्हाटएवर यू आर डूइंग, निष्ठा, ऑनेस्टी, अपने पूरे हार्डवर्क से किसी भी काम को आप करोगे, आप सक्सेसफुल जरूर हो। जरूरी नहीं 6 महीने में हो, साल में हो, लेकिन 2 साल 3 साल में तो सक्सेसफुल जरूर हो। कंटिन्यू योर वर्क विदाउट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद एनीवन एल्स,
अपने आप को किसी और से कंपेयर करना बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है, क्योंकि दूसरे आदमी की पोटेंशियल, दूसरे आदमी की बैकग्राउंड, दूसरे आदमी का पास्ट बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंट है आपके बैकग्राउंड से, आपकी कंडीशन से, आपकी हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। स्टॉप कंपेयरिंग, स्टार्ट लिविंग एंड परस्यू योर गोल्स। यस, ये था हमारा आज का टॉपिक ऑन कंपैरिजन। अगर आपको टॉपिक लगा अच्छा, टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली, स्पेशली फैमिली जो कहते रहते हैं शर्मा जी का बेटा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तुम नहीं कर रहे, डू शेयर दिस वीडियो विद ईच वन ऑफ देम। एंड यस, अगर आपके हैं कोई कॉमेंट्स, प्लीज कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।